अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिनगेमी और उसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। याद रखिए, सिनगेमी को फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब है सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं, यानी दो सेल्स, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं जिन्हें गैमीट्स कहा जाता है। एक को मेल गैमीट कहा जाएगा, एक को फीमेल गैमीट। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, फ्यूजन होगी और एक लार्जर सेल बनेगा, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सिनगेमी कहा जाता है। सिनगेमी की तीन टाइप्स होती हैं, आइसोगेमी, हेट्रोगेमी एंड ओगेमी। सबसे पहले आइसोगेमी को स्टडी करते हैं। आइसोगेमी नाम से जाहिर है सेम, आइसो मीन सेम, ठीक है। सो आइसोगेमी के अंदर क्या होता है, दो सेम टाइप के गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। अब सेम टाइप का मतलब ये नहीं है कि उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा, क्योंकि याद रखिए जब भी हम सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन की भी बात कर रहे होते हैं, यानी जेनेटिक वेरिएशन की भी बात कर रहे होते हैं। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन गोल क्या होता है, कि जो इंडिविजुअल पैदा हो, न्यू ऑफस्प्रिंग बॉर्न हो, उसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नतीजे में डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, और इससे क्या होता है, लाइफ की सस्टेनेबिलिटी दुनिया के ऊपर उसमें वैरायटी आती है और चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, राइट। सो आइसोगेमी में गैमीट सिमिलर तो होंगे बट उनका जेनेटिक मेकअप या जीनोटाइप डिफरेंट होगा। अब ये कैसे होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो माइटोसिस के जरिए अपनी नंबरिंग इंक्रीज करते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं बाइनरी फिशन के जरिए अपनी नंबरिंग इंक्रीज कर रहे हैं। सो जैसे ही वो अपनी नंबरिंग माइटोसिस या बाइनरी फिशन के जरिए इंक्रीज कर रहे होंगे, आपको पता है उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा और वो सेम टाइप के सेल्स होंगे। लेकिन होता यह है कि बाज़ औक़ात वो सेल्स एज अ गैमीट बिहेव करने लग जाते हैं। अब गैमीट का काम क्या है, कि दो गैमीट्स ने आपस में मिलना है। सो जब माइटोसिस के जरिए उनकी ऑलरेडी उनका जेनेटिक मेकअप हैप्लॉयड होता है, तो वो जैसे ही डिवाइड होते हैं तो अब वो आपस में फ्यूज़ होने की भी सलाहियत रखते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम होगा। मैं आपको ज़रा डिटेल से समझाता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स से एग सेल है, ठीक है, ये एग सेल है, कोई भी प्रोटिस्ट सेल है, ये बाइनरी फिशन के जरिए, और मैं कह सकता हूँ ये हैप्लॉयड है, वन एंड क्रोमोसोम नंबर का है, ठीक है। ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड हुआ तो इसने अपने जैसे दो सेल बना दिए, ठीक है, खुद ख़त्म हो गया और दो सेल में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दोनों का जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा और ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन ये दोनों आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप सेम है। इसके लिए इन सेल में, सेल के ऊपर कुछ रिकग्निशन पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन इसी स्पीशी का कहीं और पे एक सेल था, ठीक है, उसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, अब समझिएगा, लेकिन ये डिवाइड हुआ इंटू टू न्यू सेल्स, दो न्यू सेल बने, और यहाँ पर मैं एक चेंजिंग कर देता हूँ कि इनका जेनेटिक मेकअप आपस में सिमिलर है, ग्रीन कलर में मैंने ड्रा कर दिया, लेकिन इसके साथ डिफरेंट वेरिएशन में है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है, ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, इसी तरीके से ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, ठीक है। सो जब इस किस्म की कम्बिनेशन होगी, ये एज अ गैमीट बिहेव कर रहे होंगे, तो एक को हम फीमेल कंसिडर कर सकते हैं, एक को मेल कंसिडर कर सकते हैं, है तो सिमिलर, तो किसी को भी मेल फीमेल हम कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, इनके न्यूक्लियस आपस में मर्ज कर जाएंगे, तो नया जो सेल बनेगा हम कह सकते हैं वो एक लार्जर सेल होगा, ठीक है, उसमें ये दोनों न्यूक्लियस जब ऐसे फ्यूज कर गए तो क्रोमोसोम नंबर हम कह सकते हैं 2n हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जैसे ही ग्रोथ में जाएगा, अगर इनका लाइफस्टाइल 1x या हैप्लॉयड है, तो ये डेफिनेटली मियोसिस के जरिए 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा और क्रोमोसोम नंबर अगेन से हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कम्बिनेशन होते हैं। सो आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताई आइसोगेमी की, इसकी एग्जाम्पल क्लेमेडोमोनास ग्रीन एलजी के अंदर हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया जो गैमीट्स होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। ये दोनों आपस में जब फ्यूज कर जाते हैं तो इस प्रोसेस को आइसोगेमी कहा जाता है, और इससे जो इंडिविजुअल निकलता है उसके अंदर डेफिनेटली जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। ओके, अब सेकेंड टाइप का जो आइसोगेमी है उसे हेट्रोगेमी कहा जाता है। नाम से जाहिर है, यानी दो डिफरेंट गैमीट्स आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है। सो हेट्रोगेमी में क्या होता है, एक गैमीट जो है वो लार्ज साइज का होता है, ठीक है। सो साइज का डिफरेंस इन साइज है, ठीक है, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। जो लार्ज होगा उसे फीमेल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा
साइटोप्लाज्म है, सो वो ज़्यादा एबिलिटी रखता है ग्रो करने की, यानी ये मेल, ये जब आपस में फ्यूज़ करेंगे सो मेल का स्पर्म इधर चला जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, हम कह सकते हैं मेल का न्यूक्लियस इधर चला जाएगा। सो जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें ये एज अ फीमेल बिहेव कर रहा होगा। सो दो डिफरेंट साइज के गैमेट्स जब आपस में मिलेंगे तो उस प्रोसेस को हेटरोगेमी कहा जाएगा। सो मैंने आपको बताया एग जो गैमेट बड़ा है उसे फीमेल कंसिडर किया जाता है, जो छोटा है उसे मेल कंसिडर किया जाता है, और ये दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो टेल मैंने बनाई हुई है ये रिकग्नाइज करवा रहा है हमें कि ये मोटाइल हैं, ये मूव कर सकते हैं, यानी फीमेल गैमेट भी मूव कर सकता है, मेल भी मूव कर सकता है, बट यहाँ पर साइज का डिफरेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल में ब्राउन एलजी आ गया, उसके अंदर ये मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा थर्ड टाइप की सिनगैमी का जो थर्ड टाइप है उसे ऊगैमी कहा जाता है। ऊगैमी के अंदर क्या होता है, इसी तरीके से हेटरोगैमी की ये एक टाइप हम इसे कह सकते हैं। हेटरोगैमी की तरह एक गैमेट बड़ा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरा गैमेट छोटा है, बट होता क्या है कि इनकी मोबिलिटी की बेस पे, यानी इनमें मूवमेंट की बेस पे इसे ऊगैमी में कंसिडर किया जाता है। यानी जो बड़ा गैमेट होता है जिसे फीमेल कंसिडर किया जाता है वो मोस्टली, बल्कि हमेशा ही वो मोटाइल नहीं होता, ठीक है, नॉन मोटाइल हम इसे कह सकते हैं। सो ऊसाइट इसे कहा जाता है, नाम इसे क्या दिया जाता है, ऊसाइट, यानी ऊगैमी में एक लार्ज गैमेट होगा एक स्मॉल गैमेट होगा, लार्ज गैमेट नॉन मोटाइल होगा उसे ऊसाइट कहा जाएगा, और जो मेल गैमेट होगा डेफिनेटली वो मूव कर रहा होगा उसे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहा जाता है। ह्यूमंस के केस में हम देख सकते हैं, यानी फीमेल जो एग है जिसे ऊसाइट कहा जाता है उसके साथ स्पर्म कंबाइन करता है, तो इस प्रोसेस को ऊगैमी कहा जाता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। सो गैमेट्स हैव डिफरेंट मोबिलिटी, यानी जो फीमेल गैमेट होगा जिसे ऊसाइट कहा जाता है वो मोटाइल नहीं होगा, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा, मेल्स गैमेट जो कि मोटाइल होगा उसे फीमेल गैमेट के साथ आकर पैच करना होगा, फ्यूजन करनी होगी। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि फीमेल गैमेट मूव नहीं कर रहा, नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट भी मूव नहीं कर रहा, ठीक है, फिर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर होते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है हमें। सो होपफुली आपको कन्फ्यूजन क्लियर होगी होगी, सिनगैमी की टाइप्स भी समझ आ चुकी होंगी। मैं क्विकली रिव्यू कर लेता हूँ, मैंने आपको बताया आज की वीडियो के अंदर सिनगैमी जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और एक लार्जर सेल बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। सो इसकी तीन टाइप्स हैं, आइसोगैमी, आइसोगैमी मैंने आपको बताया दो सिमिलर टाइप के गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं बट उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होना चाहिए। जेनेटिक मेकअप अगर सिमिलर होगा वो आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई तुक ही नहीं बनती, उसका फायदा ही नहीं होना, ठीक है। जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा तो वेरिएशंस आएंगे, और इनके ऊपर रिकॉग्निशन पैटर्न होते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक मेकअप अगर सेम है तो ये आपस में फ्यूज़ नहीं करते, अगर डिफरेंट है तो फ्यूज़ करते हैं। सो इसकी एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझाया है। हेटरोगेमी के अंदर क्या होता है, दोनों गैमेट्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं। जो बड़ा साइज का गैमेट होता है उसे फीमेल कंसिडर किया जाता है, जो छोटे साइज का गैमेट होता है उसे मेल कंसिडर किया जाता है, इनकी फ्यूजन होती है, इस प्रोसेस को हेटरोगैमी कहा जाता है। जबकि ऊगैमी के अंदर क्या होता है, दोनों गैमेट्स के साइजेस भी डिफरेंट होते हैं और मोबिलिटी में भी फर्क होता है, जिसमें फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं कर पाता, मेल गैमेट मूव कर पाता है, ठीक है। इनकी जब आपस में फ्यूजन होगी इस प्रोसेस को ऊगैमी कहा जाएगा, जो कि टाइप है सिनगैमी के। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।